हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। अभी हाफ ईयरली के एग्जाम चल रहे हैं, तो इसमें क्लास 11th का एक पेपर है जिसमें MCQ आए हैं, उसको मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ कि कैसे आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसमें दिया है पहला क्वेश्चन कि इफ़ ए इक्वल टू 1, 2, एक सेट ए दिया है, इसमें दो एलिमेंट हैं आपके, तो नंबर ऑफ रिलेशन बताना ए टू ए नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा। नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला होता है 2PQ, मतलब ए में भी पी एलिमेंट है और बी में भी में क्यू एलिमेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके और 2 ये नंबर ऑफ रिलेशन होता है। तो इसमें भी दो एलिमेंट होंगे, इसमें भी दो होंगे, तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 जो होगा वो आपका कितना हो गया 16। तो इसमें ऑप्शन जो 16 वाला है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है द डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, fx इक्वल टू मॉड x, ये आपका होता है मॉडुलस फंक्शन। इसकी वैल्यू होती है एक एक्स एक माइनस एक्स, माइनस एक्स एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक्स लेस देन जीरो होता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि आपको माइनस टू निकालना है, इसका मॉड की वैल्यू निकालना है, तो ये होता है माइनस माइनस टू, माइनस माइनस एक्स, मतलब आप निगेटिव लगा के लगाओ तब ये पॉजिटिव होता है। तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन जो होता है कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो। ग्राफ इसका इस तरह बनेगा, ये आपका ऐसे ग्राफ दिया, तो ये सीधा यहाँ से आपका ऐसे बनेगा, ये तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो, जैसे आपका दिया है ए, तो ये पूरा आपका मॉडुलस फंक्शन, तो पूरा रियल नंबर होता है, तो इसका डोमेन जो होगा वो पूरा आर होगा, जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में दिया है आर एन जेड और नन ऑफ दीज, तो आर वाला ऑप्शन जो इसमें क्या है, करेक्ट है। और मान लो इसका रेंज पूछता, इस मॉडुलस फंक्शन का रेंज, ये तो आपका डोमेन था, ये डोमेन निकाला था हमने, रेंज निकालना था, तो रेंज यदि पूछता है तो रेंज देख लो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव कभी नहीं आएगी, और जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, ये इसका क्या होगा, रेंज होगा। अगला क्वेश्चन दिया है द रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, GIF बोलते हैं, कोई फंक्शन आपका दिया है fx इक्वल टू, इस तरह हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके मतलब ये होता है कि जैसे आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 लेते हो तो ये वैल्यू 2 आएगी, 2.9 लेते हो तब भी वैल्यू 2 आएगी, और 2.001 लेते हो तब भी वैल्यू इसकी 2 आएगी। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1.9 लोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो इसमें कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो, तो डोमेन तो इस फंक्शन का डोमेन जो होता है आर होता है, डी एफ लिखोगे, डी मतलब डोमेन, एफ से इस फंक्शन का ये पूरा आर होगा, और जेड जो आएगा ना आपका ये डी रेंज इस डोमेन सॉरी इस फंक्शन का आर एफ रेंज जो आएगा, फंक्शन का रेंज जो आएगा वो आपका देख रहे हो केवल इंटीग्रल वैल्यू आएगी, मतलब इंटीजर आएगा जेड, ये क्या होगा जेड, तो ऑप्शन में आपको जेड इसमें दिया हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है, और रेंज जो होता है वो आपका जेड मतलब इंटीग्रल वैल्यू होती है, माइनस प्लस निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर और जीरो जीरो। अब दिया है आपका एक fx दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 f दिया है x प्लस 1 इक्वल टू दिया है 3x प्लस 7, आपसे पूछ रहा है f माइनस 2 की वैल्यू बताओ। अब देखो आपको f माइनस 2 इसको बनाना है, x प्लस 1 माइनस 2 का वो, जब x की वैल्यू आप माइनस 3 पुट करोगे तभी माइनस 3 और प्लस 1, आपको f माइनस 2 निकालने के लिए x की वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस 3, x को माइनस 3 पुट करोगे तो ये क्या हुआ माइनस 3 प्लस 1, ये माइनस 2 हो गया f माइनस 2, मतलब x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या पुट करोगे माइनस 3, तो 3 इंटू माइनस 3 और आपका प्लस 7 हो गया, तो 3 माइनस 9 और प्लस 7 माइनस 2, माइनस 2 आपके ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, तो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर होगा माइनस 2। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट द एंगल -150 डज लाइज, -150 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। देखो क्वाड्रेंट जो होता है ऐसे, आपको जीरो यहां शुरू होता है, तो जब इस डायरेक्शन में आप जाते हो तो ये पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में आप एक राउंड लगाओगे तो पॉजिटिव होगा, और यदि इस डायरेक्शन में लगाते हो तो आप निगेटिव आएगा, तो आपको यहां से जीरो होती है माइनस 90 आएगा,
इस डायरेक्शन में जा रहे हो, माइनस 180 आएगा, तो इसके बीच में कहीं माइनस 150 आएगा, ये इस तरह आएगा आपका माइनस 150। तो माइनस 150 ये क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट है, ये नहीं कि फर्स्ट मानोगे इसको, सेकंड क्वाड्रेंट वही रहेगा, ये आपका थर्ड और ये आपका क्या होगा फोर्थ। तो आपको माइनस 150 जो होगा, माइनस 150 डिग्री, वो आपका क्या आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें आपका दिया है ऑप्शन में थर्ड क्वाड्रेंट दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ साइन एक्स इक्वल टू 1/3, साइन एक्स की वैल्यू 1/3 दिया है, तो कह रहा है कि साइन 3x की वैल्यू क्या होगी, साइन 3x की वैल्यू पुट कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। तो देखो साइन एक्स और साइन 3x में क्या रिलेशन होता है, साइन 3x जो होता है 3 sin x माइनस 4 sin 3x, ये फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ होगा 3 × 1/3 माइनस 4 × 1/3 का क्यूब 1/27, ये 3 से 3 कट गया 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 − 4/27, 27 − 4 जो करोगे तो 23/27, ये आपका क्या था आंसर था। तो ये ऑप्शन में नहीं दिया है इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन में है, इसलिए नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया है, रेंज ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये क्वेश्चन नंबर है 7 जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है y इक्वल टू दिया है साइन एक्स, इसका रेंज पूछ रहा है। तो साइन एक्स का जो रेंज होता है वो माइनस 1 से 1 के बीच होता है, क्या होता है इसका रेंज जो होता है रेंज, और डोमेन जो होता है इसका, डोमेन ऑफ द फंक्शन ये होता है, ये आपका पूरा रियल नंबर होता है, ये आपका ग्राफ ऐसे बनता है साइन एक्स का, थोड़ा और ऐसे आएगा आपको यहाँ पे इस तरह, तो ये 1 और मैक्सिमम माइनस 1 तक जाता है, ठीक है। तो ये रेंज आपका माइनस 1 से 1 आएगा और पूरा ये रियल नंबर, डोमेन इसका पूरा रियल नंबर होता है, ये आपका साइन एक्स का हो गया। कॉस एक्स का भी सेम चीज आती है, वाई इक्वल टू कॉस एक्स का भी डोमेन जो होता है पूरा रियल नंबर होता है, रेंज यही माइनस 1 से 1 ही होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, रेंज ऑफ द फंक्शन टैन वाई इक्वल टू टैन एक्स, वाई इक्वल टू टैन एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई इक्वल टू टैन एक्स इसका रेंज पूछा है, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज जो होगा देखो टैन एक्स का ग्राफ जो होता है इस तरह से कुछ बनते हैं, ये इधर को ऐसे चला जाएगा, 90 को टच नहीं होते हैं, टैन 90 इनफाइनाइट माइनस को चला जाता है, तो ये पूरा रियल नंबर आएगा, क्योंकि जब माइनस एम्प्टी से प्लस एम्प्टी आप जाते हो तो आप ऐसे लिखोगे माइनस एम्प्टी से प्लस एम्प्टी इधर, ये मतलब ये पूरा रियल नंबर। तो ऑप्शन में आपको दिया है इसी तरह, आर लिखा है, एन लिखा है, माइनस वन से वन नन ऑफ दीज, तो इसमें आर जो होगा इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका रेंज जो होगा पूरा रियल नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन 9th है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन 1, 2, 3, 0, इसकी वैल्यू निकालना है, साइन 1, 2, 3, 0 डिग्री इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखो 360 के मल्टीपुल हम देखेंगे, तो 360 के मल्टीपुल में आपका 3 टाइम ले जाओगे तो 1080 होता है, तो इसको आप ब्रेक कर दोगे साइन 3 × 360, ये 1080 में क्या जोड़ोगे कि आपका 1230 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 20 और 30 50 150, ये होगा आपका। तो अब साइन जो होता है ये 2n π में आ गया, साइन 2n π प्लस थीटा जो होता है वो आपका होता है साइन थीटा होता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी साइन क्या आएगी 150 डिग्री, और साइन 150 की वैल्यू जो होती है वो साइन 30 के बराबर होती है, क्योंकि साइन 150 को आप लिख सकते हो 180 − 30, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ऑप्शन में आपको 9th वाले में 1/2 दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पूछा है 10, आई की पावर 1/02, आई की पावर 1/02 इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो आई पावर 100 इंटू आई पावर 2 में ब्रेक कर सकते, आई पावर 100 पता है 1 होता है, 1 × i^2 जो हो गया आई स्क्वायर जो होगा माइनस 1 होता है, तो इसकी आंसर हो गया -1, ये भी ऑप्शन में आपको दे रखा है।
अगला क्वेश्चन है 11th, ये कह रहे थे वैल्यू ऑफ -9 इंटू -4 इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ज़्यादातर इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, ये आप पहले ध्यान रखा करो कि a इंटू बी, ये रूट ए बी जब होगा, जब ए और b में से दोनों पॉजिटिव हो या कोई एक पॉजिटिव जरूर हो, a पॉजिटिव हो या b पॉजिटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, जब a लेस देन जीरो होता है और b भी लेस देन जीरो होता है, दोनों निगेटिव होता है, तो a इंटू बी जो होता है वो माइनस ए बी होता है, ये ध्यान रखा करो। जब ए भी ये वाला ध्यान रखना है, व्हेन ए भी लेस देन जीरो और बी भी लेस देन जीरो, ए भी निगेटिव है और बी भी निगेटिव है, तब रूट ए इंटू रूट बी माइनस रूट ए बी होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसको दो तीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका क्या आएगा, आपको डायरेक्ट यहाँ क्या आएगा, अब ये आप सॉल्व करोगे तो माइनस आएगा रूट ए इंटू बी, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा कितना हुआ 36, तो मैं क्या हुआ -6, इसका क्या था करेक्ट आंसर था जो ऑप्शन में दे रखा है, इसमें आंसर था 6। कई बच्चे ज़्यादातर 6 मार देंगे, कई आपका -6 भी और नॉट पॉसिबल भी आंसर दिया है, कई बच्चे नॉट पॉसिबल मार सकते हैं, अनन आप दीज भी आंसर दिया है। ये हो गया 11th क्वेश्चन। उसके बाद दिया है द मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड दिया है, जेड इक्वल टू दिया है -3 -i, इसका मॉडुलस निकालना है। तो ये होता है मॉड जेड, जैसे आपका जेड इक्वल टू दिया है x + iy, तो मॉड जेड के जो फार्मूला होता है अंडर रूट x² + y² होता है, तो ये अंडर रूट, ये आपका -3 square 9 हो गया और ये -1 square 1 हो गया, तो √10 जो होगा इसका क्या होगा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन में दे रखा है। ये होता है 12th क्वेश्चन। उसके बाद दिया है 13th क्वेश्चन दिया है द कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू -3 -i, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, मैंने जेड बार बोलते हैं, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है जो आई का कोफिशियंट होता है उसका साइन चेंज होता है केवल, तो ये -3 तो वही रहेगा, ये +i हो जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेट की वैल्यू आएगी -3 + i जो ऑप्शन में आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन दिया है 14, इसमें कि द सॉल्यूशन ऑफ 7x - 1 लेस देन आर इक्वल टू 5x + 3, इसका सॉल्यूशन निकालना, 5x को इधर लाओ 1 को इधर लेके चले जाओ, तो 7x - 5x और इधर लेस देन ये 5 3 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x < 4, तो x < 2, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 से आपका माइनस इन्फिनिटी से 2 ऑप्शन में दिया है, सी आंसर जो होगा -∞ से 2 क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो इसका क्या था करेक्ट आंसर था 2 3x - 4 5, इसका सोल्यूशन बताना है। देखो ये पहले -4 है तो हर जगह +4 कर दो तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये 2 + 4 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x और ये हो गया आपका 4 इधर ऐड कर तो 9 हो गया, 3 से डिवाइड करोगे पूरे को तो ये x बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, मतलब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच लाइज करेगी, तो ये आपका ऑप्शन में दिया है 2, 3, ये दोनों साइड क्लोज आएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला दिया है तो सोल्यूशन ऑफ निकालना है माइनस, ये 16 क्वेश्चन है, ये 15 था, दिया है सोल्यूशन ऑफ -12x > 60 और x बिलोंग्स टू n, x जो है n में बिलोंग करना है, तो ये कभी भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये हो जाएगा x < 60 / क्या हो गया -5 - 12, तो ये हो गया x < -5 और इसकी वैल्यू जो आपकी कह रहा है कि x जो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर, तो इसमें नेचुरल नंबर आएगा नहीं, -5 से सारा क्या है छोटा आएगा, -5 छोटा और नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू होता है, तो इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो इसलिए जो इसमें सेट आएगा वो क्या आएगा 5 होगा, क्या होगा आंसर जो दिया है 5 सेट दिया है, मैंने कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा।
तो ये 16 क्वेश्चन थे जो MCQ थे, और मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।